क्या होगा यदि माता या पिता संपर्क के विषय में कोई समझौता न कर पाए? अगर माता या पिता संपर्क के विषय में समझौता नहीं कर पाते, ऐसे में तीन विकल्प हैं। पहला, उन्हें पारिवारिक मध्यस्थता की मदद लेनी चाहिए ताकि वह समझौता कर पाएं। दूसरा, वह समझौता करने के लिए प्रतिवक्ता की मदद ले सकते हैं। तीसरा, वह न्यायालय से संपर्क आदेश की आवेदना कर सकते हैं। यदि माता या पिता संपर्क के विषय में समझौता नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें पारिवारिक मध्यस्थता की मदद लेनी चाहिए। पारिवारिक मध्यस्थता का लक्ष्य है तनाव कम करना और झगड़ों को सुखपूर्वक सुलझाना। अधिकतर जनक जो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, पहले मध्यस्थता की मदद लेते हैं। न्यायालय को यह जानकर अच्छा लगता है कि माता या पिता ने अपनी समस्या खुद सुलझाने का प्रयत्न किया है। अधिकतर कानूनी सहारा तभी मिलता है जब मध्यस्थता की मदद ली गई हो। मध्यस्थता किसी उदासीन तीसरे पक्ष की उपस्थिति में होती है। मध्यस्थता का काम है माता या पिता के बीच संचारण बढ़ाना और बच्चे के बारे में किसी निश्चय पर पहुंचने में उनकी मदद करना। मध्यस्थता की प्रक्रिया सारे देश में एक समान नहीं है। कुछ प्रक्रियाओं में माता और पिता दोनों से पहले अलग-अलग मिला जाता है और फिर उन्हें एक साथ बिठाया जाता है ताकि वह किसी नतीजे पर पहुंच सकें। दूसरी प्रक्रियाओं में माता व पिता को एक साथ बिठाया जाता है और कभी-कभी उनके प्रतिवक्ता एवं प्रतिनिधि भी उपस्थित होते हैं।